दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं और आपको एमएस वर्ड के सभी टूल्स और फीचर्स के बारे में पता है, फिर एमएस वर्ड आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं और आपको एमएस वर्ड के सभी टूल्स और फीचर के बारे में नहीं पता है, फिर एमएस वर्ड आपके लिए एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रोग्राम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बारे में फ्रीक्वेंट यूजर्स को भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं एमएस वर्ड के इन 5 ट्रिक्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्राम चैनल को और साथ में उस बेल आइकन को भी दबाइए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले ट्रिक के बारे में। और इस पहले ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड में फ्रस्ट्रेटिंग लाइन को कैसे डिलीट करते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेटिंग लाइन क्या होता है, चलिए मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैंपल डॉक्यूमेंट है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जब भी आपको किसी पैराग्राफ के बाद से कोई लाइन ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए जनरली आप क्या करते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ के पहले वर्ड के आगे अपना माउस क्लिक करते हो, 3 बार यहाँ पे माइनस टाइप करते हो और इंटर करते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाता है। अगर दोस्तों आपको इस लाइन को डिलीट करना होता है, सिंपल आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करते हो, ये अंडू हो जाता है, यानी कि वो लाइन यहाँ से डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मान लो आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ड्रॉ करने के बाद से 3-4 पैराग्राफ और टाइप कर लिया, फिर अगर आपको इस लाइन को डिलीट करना है और जब आप यहाँ पे इस लाइन को डिलीट करने के लिए आते हो और इसको जब आप सिलेक्ट करते हो, तो सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट नहीं होता है, बल्कि इस लाइन के ऊपर का सेंटेंस सिलेक्ट होता है और साथ में नीचे का भी सेंटेंस सिलेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके इसको डिलीट करने की कोशिश करते हो, तो लाइन तो डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो सेंटेंस यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो अब इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ होम सेक्शन के अंदर ही आ जाना है, बॉर्डर्स के अंदर। ये बॉर्डर्स का सेक्शन है, आपको यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं एक्चुअली ये लाइन नहीं है बल्कि ये बॉर्डर है। तो आपको यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नो बॉर्डर, और ये लाइन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितना आसान है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, फिर आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक का, और इस दूसरे ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे चेक करेंगे। यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मतलब है रीडेबिलिटी, यानी कि जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट कितना रीडेबल है, लोग आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक राइटर हैं, क्रिएटर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना रीडेबल है। उसके लिए दोस्तों आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, जहां पे आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हो, फिर आपको ये पता चलता है कि आपका टेक्स्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना रीडेबल है। लेकिन दोस्तों, ये फीचर वर्ड डॉक्यूमेंट में ही मौजूद है और आपको पता नहीं है। तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और यहाँ लेफ्ट टॉप में आपको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का, आपको यहाँ प्रूफिंग पे क्लिक करना है और आपको यहाँ इस सेक्शन में आ जाना है जहां पे लिखा है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड। इसी में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, आपको इसको यहाँ पे चेक मार्क करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एमएस वर्ड का लोअर वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे चेक मार्क करने के बाद से यहीं पे आपको एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप हायर वर्जन इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको यहाँ ऊपर रिव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रीडेबिलिटी स्टैटिक्स ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ नीचे वाले सेक्शन में आना है रीडेबिलिटी। इसमें आपको दो चीज चेक करना है। पहला, यहाँ पे आपको चेक करना है रीडिंग इज, इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे रीडिंग इज दिखा रहा है, देखिए 70.3, ये मैक्सिमम 100% होता है और आपका 70 प्लस होना चाहिए, 75 या फिर 80% होना चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे आपको चेक करना है ग्रेड लेवल, इस डॉक्यूमेंट का ग्रेड लेवल यहाँ पे दिखा रहा है 8.2, मतलब ये 8 लेवल का है। ये दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए 6 के नीचे। ये जितना लोअर रहेगा और यहाँ पे रीडिंग इज जितना हायर रहेगा, उतना आपका वर्ड डॉक्यूमेंट रीडेबल रहेगा और उतना अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं तीसरे ट्रिक के बारे में, और इस तीसरे ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में
डिफॉल्ट फॉन्ट को कैसे सेट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से अपने सिंपल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री है। तो मान लो दोस्तों आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ का डिफॉल्ट फॉन्ट कुछ और है और आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट कुछ और है, तो आप जब भी डॉक्यूमेंट अपना रेडी करेंगे तो आपको बार बार यहां सेलेक्ट ऑल करके अपने फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कितना अच्छा हो कि आपका भी डिफॉल्ट फॉन्ट वही हो जो आपके कंपनी का डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करने के लिए आपको यहां ऊपर होम पे क्लिक करना है और अब आपको आ जाना है इधर फॉन्ट सेक्शन में। यहां पे आपको एक डाउन एरो के दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद से आपको उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आपके कंपनी का रिकमेंडेड फॉन्ट यानी कि डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल ब्लैक है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहां से आपको साइज को सिलेक्ट कर लेना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद से नीचे यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफॉल्ट, आपको यहां सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, दिस डॉक्यूमेंट ओनली और दूसरा है ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल डॉट DOTM टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इस सिंपल डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया और अब ये हो गया एरियल ब्लैक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चौथे ट्रिक का, और इस चौथे ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड के अंदर किसी भी टेबल्स के आगे सीरियल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेबल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है और उसके आगे उनका मार्क्स दिया हुआ है। अगर इस टेबल के आगे सीरियल नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, जनरली आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले कॉलम को ऐड करेंगे, उसके बाद बार बार अपने माउस को क्लिक करके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप करके आप वहां पे सीरियल नंबर को ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों कितना अच्छा हो कि सिर्फ एक क्लिक करें और ऑटोमेटिक आपका सारा सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप हो जाए, आपको यहाँ पे बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पहले मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और लेफ्ट साइड में पहले मैं एक कॉलम को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड करना है तो आपको क्या करना है, कॉलम को ऐड करने के बाद से ये सब पे माउस को ड्रैग करके सबको एक साथ आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऊपर होम के अंदर ही आपको आ जाना है यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में। ये पैराग्राफ सेक्शन है और इसके अंदर आपको ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा नंबरिंग का, इसके रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑलरेडी सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक पूरा सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, आपको टाइप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें ट्रिक का, और इस पांचवें ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ओरिएंटेशन को कैसे सेट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि सिर्फ ये पैराग्राफ लैंडस्केप में हो और बाकी ऊपर या फिर नीचे जितने भी पैराग्राफ है वो पोर्ट्रेट में ही रहे। तो जनरली वर्ड के अंदर जब आपको ओरिएंटेशन को चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ लेआउट पे क्लिक करते हो, इसके अंदर आपको ओरिएंटेशन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ओरिएंटेशन को यहां से बहुत ही आसानी से चेंज कर लेते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ एक पैराग्राफ के ओरिएंटेशन को चेंज करना है, मान लो इस पैराग्राफ को आपको लैंडस्केप में करना है और इसके ऊपर और इसके नीचे के पैराग्राफ को आपको पोर्ट्रेट में ही रहने देना है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए आपको क्या करना है, मैं इस पैराग्राफ को यहां पे इसका कलर चेंज कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, जिस भी पैराग्राफ के ओरिएंटेशन को आपको चेंज करना है उस पैराग्राफ के पहले वर्ड के आगे आपको यहां पे माउस को क्लिक करना है। अब आपको जाना है ऊपर यहां लेआउट में, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक्स का, इसके रेडियो बटन पे क्लिक करना है, इस सेक्शन में आ जाना है यहां पे सेक्शन ब्रेक्स के अंदर और यहां आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे उसके ऊपर का जितने भी पैराग्राफ थे वो दूसरे पेज में चले गए और यहाँ ये आ गया दूसरे पेज में। अब इस पैराग्राफ के बाद से जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर आपको माउस को क्लिक करना है, फिर से ब्रेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे का नीचे आ गया, ऊपर का ऊपर चला गया और ये पैराग्राफ एक सेपरेट पेज में आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कहीं पे भी यहाँ क्लिक करना है, लेआउट के अंदर ही ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है
और यहां आपको लैंडस्केप पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे देखेंगे ये पोर्ट्रेट में है सारा पैराग्राफ और ये एक सेपरेट पैराग्राफ यहां पे लैंडस्केप में है और नीचे का भी पोर्ट्रेट में है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग ओरिएंटेशन में आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।